हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बिहार की मई 2023 की करेंट अफेयर को मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा हर महीने की बिहार की करेंट अफेयर से संबंधित वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है। आज उसी कड़ी के रूप में हम लोग मई महीने की करेंट अफेयर को बिहार से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुई है और जो बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है उसकी एक श्रृंखला के रूप में हम लोग मई 2023 की करेंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण आज के इस डिस्कशन का पॉइंट है कि पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो वह बिहार की राजधानी पटना में स्थापित किया गया है। यानी कि पटना में पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र प्रारंभ किया गया है। अगर प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हाल ही में पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है, अगर राज्य आएगा तो बिहार में प्रारंभ किया गया है, अगर शहर आएगा तो बिहार की राजधानी पटना में प्रारंभ किया गया है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला और एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट टाइप का आप इसे कह सकते हैं, वह है कंपोडियम ऑफ 25 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका जारी की गई है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिए, कंपोडियम ऑफ 25 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका किसके द्वारा जारी की गई है, तो देश की सबसे बड़ी थिंक टैंक बॉडी जो है नीति आयोग, उसके द्वारा जारी की गई है। क्या है ये, तो 75 एग्री एंटरप्रेन्योर यानी कि कृषि उद्यमी, एग्री का मतलब एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, और एंटरप्रेन्योर का मतलब हो गया उद्यमी, यानी कि देश के 75 कृषि उद्यमियों की लिस्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। इसे ही कंपोडियम ऑफ 25 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स के रूप में जाना गया। तो पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंपोडियम ऑफ 25 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका किसके द्वारा जारी की गई है, तो आपको याद रखना है कि यह नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। यह क्या है, तो देश के 75 कृषि उद्यमियों की एक सूची है, लेकिन यह इसीलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो 75 कृषि उद्यमी हैं उनमें से बिहार के एकमात्र जो कृषक शामिल किए गए हैं वह है बिहार के किसान चाची। आपने नाम सुना ही होगा, बहुत काफ़ी फेमस है किसान चाची बिहार में। तो बिहार के जो किसान चाची जो हैं उन्हें देश के 75 कृषि उद्यमियों की सूची में शामिल किया गया है, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो ये रिपोर्ट किसने जारी किया, बिहार से किसे शामिल किया गया है और कितने कृषि उद्यमी इस लिस्ट में शामिल हैं, इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ से तीन प्रश्न बनने की संभावना है। अगले पॉइंट की ओर हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट है पटना नगर निगम में आरबीआई के द्वारा डिजिटल करेंसी ई रुपया सेवा शुरू की गई है। ऐसा करने वाला देश का यह पहला नगर निकाय बना है। नगर निकाय का मतलब या तो नगर निगम या कुछ भी, नगर पालिका, नगर पंचायत, कुछ भी हो सकता है नगर निकाय का मतलब। ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा डिजिटल करेंसी ई रुपया सेवा शुरू करने वाला देश का पहला नगर निकाय कौन बना है, पटना नगर निगम। यहाँ से दो पॉइंट बन सकते हैं। पहला पॉइंट, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में डिजिटल करेंसी ई रुपया सेवा शुरू करने वाला देश का पहला नगर निकाय कौन बना, तो आपको आंसर देना होगा पटना। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में पटना नगर निगम में डिजिटल करेंसी ई रुपया सेवा शुरू की गई है, ऐसा करने वाला यह देश का पहला नगर निकाय बना है, यह किस बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो आरबीआई के द्वारा। यह दो प्रश्न यहां से बनने की संभावना है, आप इसे अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखेंगे, अपना समय समय पर रिविजन करते रहेंगे। अगला पॉइंट है बिहार का पहला मोम संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया। अगर शहर का नाम आएगा कि बिहार का पहला मोम संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया, तो आपको आंसर देना होगा बिहार की राजधानी पटना में स्थापित किया गया है। और इसका उद्घाटन जो है पहला मोम संग्रहालय का उद्घाटन जो है वह 25 मई को किया गया है। ठीक है, यानी कि बिहार का पहला मोम संग्रहालय की स्थापना पटना में 25 मई को किया गया। अगर शहर का नाम आएगा कहाँ किया गया, तो आप इसका आंसर बेशक आप पटना लगाएंगे, कब किया गया, तो सर इसको आप 25 में लगाएंगे। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी कम है, आपको शहर का नाम ज्यादा याद रखना है, तो बिहार का पहला मोम संग्रहालय पटना में।
अगला थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है यह, ठीक है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। मसौढ़ी के निवासी गौतम का चयन हैनसेन लीडरशिप प्रोग्राम 2023 या कैलिफोर्निया अमेरिका के लिए किया गया है। भारत से चुने जाने वाले ये एकमात्र भारतीय हैं। यह प्रश्न इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत से चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। अगर बिहार की कोई फेमस पर्सनालिटी, बिहार की कोई वैसे स्कीम या फिर बिहार से रिलेटेड वैसे कुछ भी घटनाएँ जो देश के स्तर पर या विश्व के स्तर पर पहली बार हो रही हो, एकमात्र कोई व्यक्ति चुने जाएँ, तो वे सभी जो घटनाएं हैं वह बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा हाइलाइटेड टॉपिक हो जाते हैं। तो चूंकि भारत से चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय बने कौन, मसौढ़ी के रहने वाले गौतम जी, जिनका चयन अमेरिका कैलिफोर्निया के लिए हैनसेन लीडरशिप प्रोग्राम 2023 के लिए किया गया है, इसीलिए यह प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न आने की संभावना है। तो दो चीजों को आपको याद रखना होगा। पहला, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि हैनसेन लीडरशिप प्रोग्राम 2023 के लिए चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं, तो आपको आंसर देना होगा गौतम जी, ठीक है। अब आ सकता है बिहार में कहाँ के ये निवासी हैं, तो मसौढ़ी के ये निवासी हैं, आपको इसे ध्यान रखना है, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर हम लोग आ रहे हैं। सारण जिले में दो दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। दो दिवसीय का मतलब दो दिन चला है, कौन से दो दिन 13 और 14 मई को, यानी कि बिहार के सारण जिले में 13 और 14 मई को दो दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यह इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बिहार का पहला एवं एकमात्र फिल्म फेस्टिवल है। डायरेक्ट प्रश्न में पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिहार का पहला एवं एकमात्र फिल्म फेस्टिवल का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया, तो आपको आंसर क्या देना है, सारण जिले में किया गया। यह दो दिवसीय आयोजन था, 13 एवं 14 मई को इसका आयोजन किया गया है। यह जो सारण जिले में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, इसमें विश्व के कुल 21 देशों के फिल्मों का प्रदर्शन किया गया है, आपको इसे भी याद रखना है। तो आप जिले का नाम याद रखिए, कब आयोजन किया गया इसे आप लोग याद रखिए, और यह बिहार का पहला एवं एकमात्र फिल्म फेस्टिवल है, आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आ रहे हैं। दरभंगा स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया है। यह प्रश्न इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि संस्थान तो स्थापित है पहले से भी, मखाना अनुसंधान केंद्र पहले से ही स्थापित है बिहार में, लेकिन इसे हाल ही में राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो गया है। डायरेक्ट यहाँ से क्या प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी है कि बिहार में या बिहार के किस जिले में मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो आपको आंसर देना है दरभंगा। आप लोग जानते हैं कि बिहार में, बिहार की बात छोड़िए, पूरे भारत का लगभग 90% मखाना जो है वह सिर्फ और सिर्फ हमारा बिहार उत्पादन करता है, ठीक है, और दरभंगा में व्यापक स्तर पर की जाती है, इसीलिए यहां पर मखाना रिसर्च सेंटर दरभंगा में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न थोड़ा सा और महत्वपूर्ण है, यह हमारे बिहार की इकोनॉमी ग्रोथ से रिलेटेड है। बिहार सरकार के द्वारा केंद्र को मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं मधुबनी को सेज बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। सेज का मतलब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र का मतलब हो जाता है अगर किसी क्षेत्र को स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर सेज का दर्जा दिया जाता है या विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया जाता है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया जाता है, तो उन क्षेत्रों को बहुत अधिक रियायतें दी जाती है। वहाँ पर अगर कोई कंपनी अपना इंडस्ट्री स्थापित करना चाहता हो तो बिजली उसे काफ़ी कम रेट पर बिजली दर प्रोवाइड की जाएगी, काफ़ी कम रेट पर उसे ज़मीन प्रोवाइड की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा, वहाँ के विकास के लिए सरकार के द्वारा अलग से बजट अलॉट की जाएगी, कई सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो बिहार सरकार के द्वारा भी बिहार में इकोनॉमिक इंजन को बढ़ावा देने के लिए मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी को सेज बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। ये तीन डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग याद रखें, इन तीन डिस्ट्रिक्ट को शॉर्ट में आप MDM के रूप में याद कर सकते हैं। MDM जैसे मिड डे मील होता है ना, MDM मिड डे मील आप लोग पढ़ते ही हैं, उसी तर्ज पर इसका भी आप MDM याद रखें, M फॉर मुजफ्फरपुर,
D4 दरभंगा और नेक्स्ट M4 मधुबनी, MDM मिड डे मील या फिर मुजफ्फरपुर दरभंगा एवं मधुबनी। तो इसे सेज बनाने का प्रस्ताव बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है केंद्र को। अगर केंद्र सरकार बिहार सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो बिहार में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दिशा में एक काफ़ी महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। तो इन तीनों जिलों का नाम आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है मिशन चकाचक वार्ड। मिशन चकाचक वार्ड जो है वह किस नगर निगम के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो मिशन चकाचक वार्ड जो है वह पटना नगर निगम के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार जो है या बिहार में जितने भी नगर निकाय हैं वे स्वच्छता में अपनी रैंकिंग को सुधारने के लिए दिन प्रतिदिन नए नए इनोवेटिव आइडियाज को अपना रहे हैं। उसी कड़ी के रूप में पटना नगर निगम के द्वारा अपनी रैंकिंग को और अधिक सुधारने के लिए मिशन चकाचक वार्ड की शुरुआत की गई है। तो आप डायरेक्ट याद रखें कि मिशन चकाचक वार्ड का संबंध किस नगर निगम से है या किस नगर निकाय से है, तो पटना नगर निगम ने हाल ही में मिशन चकाचक वार्ड की शुरुआत की है। अगला है संचार साथी पोर्टल किस विभाग के द्वारा जारी की गई है? तो संचार नाम से ही आपको लग रहा होगा कि यह दूरसंचार विभाग का कार्य हो सकता है। तो संचार साथी पोर्टल बिहार का जो दूरसंचार विभाग है बिहार सरकार का, उसके द्वारा जारी किया गया है। और इसका मुख्य टारगेट मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? तो गुम हुए मोबाइल का पता लगाना। अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल गुम हो जाता है तो संचार साथी पोर्टल जो है उन्हीं व्यक्तियों के लिए कार्य करेगी जिनके मोबाइल गुम हो गए हैं और उसको लोकेट करेगी, उसको पता लगाएगी उन मोबाइलों गुम हुए मोबाइल के बारे में। तो आप लोग याद रखेंगे संचार साथी पोर्टल बिहार सरकार के दूरसंचार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका प्रमुख उद्देश्य गुम हुए मोबाइल का पता लगाना है। अगला टॉपिक एक काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और यह रिपोर्ट है नेशनल वाटर अवार्ड 2022। यानी कि नेशनल वाटर अवार्ड 2022 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यह किसके द्वारा जारी की जाती है? तो जो नेशनल वाटर अवार्ड है वह जल शक्ति मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा, जो केंद्र सरकार के जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा नेशनल वाटर अवार्ड जारी किया जाता है प्रतिवर्ष। और वर्ष 2022 में भी नेशनल वाटर अवार्ड जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम बात जो है वो यह है कि बिहार को टॉप 3 स्टेट में शामिल किया गया है। यानी कि नेशनल वाटर अवार्ड 2022 जिसे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, इसमें बिहार को टॉप 3 स्टेट की लिस्ट में शामिल किया गया है। यानी कि बिहार ऊपर से टॉप 3 देश राज्यों में शामिल है। इसका कारण क्यों बिहार को शामिल किया गया टॉप 3 में, बिहार ने इतनी लंबी छलांग क्यों लगाई, इसका सबसे बड़ा वजह है कि बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वाटर कंजर्वेशन पर कार्य किया जा रहा है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण जल जीवन हरियाली योजना को आप ले लीजिए। जल जीवन हरियाली योजना का उद्देश्य क्या है? गांव घर में जो आइन और आहार जो पोखर वगैरह जो हैं वो सूख गए हैं, उसको फिर से हरा भरा बनाना, फिर से उसको वहाँ पर पानी वगैरह उपलब्ध कराना, ये महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो जल जीवन हरियाली योजना के कारण बिहार सरकार वाटर कंजर्वेशन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, वनावरण पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है और भू जल दोहन को कम करने पर ध्यान दे रही है। इसी कारण बिहार सरकार को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए नेशनल वाटर अवार्ड 2023 में टॉप 3 राज्यों की सूची में शामिल किया गया है। इसकी एक और बड़ी वजह है, इसमें जब योजना को जारी किया जा रहा था, अवार्ड जब दिए जा रहे थे, घोषणा की जा रही थी, तो उसमें बिहार की 7 सिंचाई परियोजनाओं को चिन्हित किया गया और कहा गया कि ये जो 7 सिंचाई परियोजना हैं वो बिहार के अंतर्गत वाटर कंजर्वेशन की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। यहाँ 7 सिंचाई परियोजना के नाम तो मैं नहीं लिख सका, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो सिंचाई परियोजना है उसके बारे में मैं 2-3 सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो अवार्ड है केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई है और यह प्रश्न में पूछा जा सकता है। जैसे बतासपुर वियर सिंचाई परियोजना, ये जो 7 सिंचाई परियोजना है उसमें एक ये भी है। यह कहाँ है? तो बिहार के गया जिले में शामिल है। इसके अलावा उदार स्थान वियर सिंचाई परियोजना, उदार स्थान बराज योजना जो है, उदार स्थान बराज योजना यह कहाँ है? बिहार शरीफ में स्थित है।
ठीक है, बिहार शरीफ में स्थित है। इसी तरह से कमला नदी पर जो दरभंगा में जो कमला नदी पर बनाई गई है सिंचाई परियोजना, उसे भी चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे सिंचाई परियोजना है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा चिन्हित किया गया है। आपको इसे सर्च करके एक जगह इसकी लिस्ट बना लेनी होगी ताकि आप एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार रह सकें। अगला पॉइंट है, बिहार समेत 5 राज्यों में 7 ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन शुरू किए जाने की घोषणा सेंटर के द्वारा की गई है। यानी कि केंद्र सरकार 5 राज्यों में 7 ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने जा रही है, और ये जो 5 राज्य है उनमें बिहार भी शामिल है। बिहार के अंतर्गत समस्तीपुर जिले का चयन किया गया है ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन की स्थापना हेतु। तो आपको याद रखना होगा कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के किस जिले का चयन ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन के लिए किया गया है। तो कौन से जिला का चयन किया गया है? समस्तीपुर जिले का चयन किया गया है। अगला पॉइंट है, बिहार इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन पटना में कब किया गया? तो बिहार निवेशक सम्मेलन का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में 27 मई को किया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, सूचना व जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने राकेश कुमार झा के द्वारा लिखित मिथिला चित्रकला का सिद्धांत पुस्तक का विमोचन किया गया है। यहाँ दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। पहला, मिथिला चित्रकला का सिद्धांत किसने लिखी है? तो इसके लेखक हैं राकेश कुमार झा। दूसरा प्रश्न जो पूछा जा सकता है, राकेश कुमार झा के द्वारा लिखित पुस्तक मिथिला चित्रकला का सिद्धांत का विमोचन बिहार के किस मंत्री के द्वारा किया गया? तो आपको याद रखना है, सूचना व जनसंपर्क मंत्री संजय झा के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। तो यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं, दोनों प्रश्न को आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, बरौली में 10 लाख लीटर क्षमता का मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। यानी कि दूध प्रसंस्करण केंद्र 10 लाख लीटर की क्षमता वाला बरौली में इसकी स्थापना की जाएगी। अगला पॉइंट है, बिहार के जीएसटी मॉडल को हाल ही में किस राज्य ने अपनाने की घोषणा की है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक बिहार के लिए भी काफ़ी गौरव की बात है कि बिहार में दूसरे राज्य के जो लोग हैं वे बिहार के जीएसटी मॉडल को अपना रहे हैं, या यहाँ पर शराबबंदी मॉडल का अध्ययन करने के लिए दूसरे राज्यों की टीम आ रही है। यहाँ पर जो बिहार बोर्ड की सफलता है, बिहार बोर्ड की सफलता का अध्ययन करने के लिए दूसरे राज्यों की टीम आ रही है। बीपीएससी के द्वारा जो हाल ही में जिस प्रकार के सुधार किए गए हैं उसका भी अध्ययन करने के लिए दूसरे राज्य की आयोग की टीम आ रही है। तो ऐसे कई सारे बिहार को गौरव दिलाने वाले पल हैं जो हाल के खबरों में सूचना न्यूज़ में रही है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण पल है, वह है कि बिहार के जीएसटी मॉडल को हाल ही में किस राज्य ने अपनाने की घोषणा की है। तो राजस्थान राज्य ने इसे अपनाने की घोषणा की है, आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला काफी ज्यादा चर्चा में रहा है यह न्यूज़, मौसम बिहार ऐप बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। यानी कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार मौसम ऐप का लोकार्पण किया गया है। यह जो ऐप है वह बिहार मौसम सेवा केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। पहला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा बिहार मौसम ऐप का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बिहार हाल ही में चर्चा में रहा मौसम बिहार ऐप का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया? तो दूसरा प्रश्न का उत्तर होगा बिहार मौसम सेवा केंद्र के द्वारा इसका विकास किया गया है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, पंचायत स्तर पर मौसम की सटीक जानकारी हेतु मोबाइल ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य। देखिए, हमने बताया ना अभी कि अगर कोई घटना बिहार में पहली बार घट रही हो, कोई फेमस पर्सनालिटी बिहार के हो, वो वर्ल्ड स्तर पर या भारत स्तर पर नेतृत्व कर रहे हो, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो पंचायत स्तर पर मौसम की सटीक जानकारी हेतु मोबाइल ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बना है और वह है बिहार। तो इसे भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट यह प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो यहाँ से तीन प्रश्न बने, इन तीनों प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना होगा। अगला पॉइंट है, गया के टनकुप्पा में मोटे अनाजों के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस COE सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का निर्माण किया जाएगा। मोटे अनाज, आप जानते ही हैं कि मोटे अनाज किस प्रकार महत्वपूर्ण और हाल ही में लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है मोटे अनाज। ठीक है,
केंद्र सरकार के द्वारा मोटे अनाज के विकास के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। यूएन के द्वारा मोटे अनाज का वर्ष भी घोषित कर दिया गया है, तो बिहार सरकार भी मोटे अनाज के विकास के लिए तत्पर है। और गया जिले के अंतर्गत टनकुप्पा में मोटे अनाजों के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना करने का बिहार सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। और आज का अंतिम प्रश्न जो हम लोग देखते हैं वह है, हाल ही में बिहार का कौन सा शहर CBDC का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बना है। चूंकि पहला नगर निगम भी है और पटना, इसका आंसर पटना नगर निगम होगा, तो पटना जो है वह नगर निगम भी है और पटना जो है वह शहर भी है, तो इसका आंसर पटना होगा। डायरेक्ट प्रश्न आपको यही पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिहार का कौन सा शहर या बिहार का कौन सा नगर निगम CBDC का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बना है, तो आपको आंसर देना होगा पटना नगर निगम। तो इस प्रकार से दोस्तों मई महीने की, मई 2023 की बिहार करंट अफेयर को हमने डिस्कस किया है। इससे पहले भी मार्च महीने की करंट अफेयर और अप्रैल महीने की बिहार की करंट अफेयर हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, यूट्यूब चैनल पर जाने के बाद आप हम यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के बाद बिहार करंट अफेयर के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाया गया, जहां पर प्रत्येक महीने की बिहार की करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उसको हम लोग डिस्कस करके वीडियो के रूप में वहां पर अवेलेबल है। आप उसे देखिए, समझिए और BPSC प्रीलिम्स परीक्षा में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।